आई फील सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट जब जब आपकी डिवोर्स हुई तो हाउ मच दिस होल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और जिम जाना, बिकॉज यू सेड कि आपको इसने काफ़ी हेल्प आउट किया इन अ नॉर्मल पर्सन इन सच क्रूशल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ, शायद कोलैप्स कर जाता। ये तो आपने एक महाज खोल दिया यार। बट इफ समबडी डजंट ओबे दैट लॉ दैट ऑर्डर एंड दैट गाय escapes the country and takes your daughter away from Pakistan, how will you like aapka legal system kuch nahi kar sakta, halanki aap apne paon pe bhi kulhadi mal di, to unhone kaha hame maintenance bhi nahi chahiye aur hame dowry bhi nahi chahiye, they wrapped up every single thing, sab wapas le liya, to wo jo court ka order tha sirf usko wapas lene ke liye. Acha jab mera khatam ho gaya to mujhe kehte hain sir aapko na do din tak abhi khaliyan padengi body mein. Ab jab main wahan pe gaya na aur maine ek cheez nahi bhai dekhi ki do मेरी चीज़ें मेरे कैरियर की वहाँ पे ट्रांसलेट हुई, और फॉरनर जिसने कभी ज़िंदगी में आपको नहीं देखा एक इंप्रेशन, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डाल देती है, पहली आप माय बॉडी कैन टेक द क्रंचेस बट माय माइंड कैन नॉट टेक द साइड लाइन। खैर एक और चांस है, क्या होना था, कोई बेस तो लाइक पड़ा तो था नहीं, तो फिर भी नहीं हुआ। तो होना क्या था, शादी शादी अरेंज थी, पेरेंट्स को ही कहा था कि बस यार कोई लड़की ढूंढो, या सम आपका कुछ लव था, ब्लेंड था, हाइब्रिड मॉडल था, लव भी था, अरेंज भी थी? How was that? मैं बता दूं नहीं भाई आपकी पॉडकास्ट में आज, फिर ये पोल खोल ही दूं। क्यों, लोगों को नहीं पता? लोग ये किसी को नहीं पता अभी तक। अच्छा कि आपकी लव थी या अरेंज थी? अच्छा लेट मी गेस, नोबडी नोज, लेट मी गेस, ये एटॉमिक बॉम्ब होगा, कैन यू लेट मी गेस, लेट मी गेस करता हूं। ये एक फेमस है, एक्टर हैं, आपने क्या करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, दो साल पहले मैं आपको 50,000 पे करेंगे, आप इंस्टाग्राम की पोस्ट के अंदर इनकी ये पेट्रोल पंप के ऊपर ना एड शूट हुई है तो आपने पोस्ट करनी है, उसमें सॉन्ग भी है, एक एक्टर भी है। व्हाट यू वुड सजेस्ट के शादी की क्या कोई खास एज रिकमेंड करेंगे, कोई खास सेट ऑफ वैल्यूज है टू 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 मेक श्योर के यू आर गेटिंग मैरिड टू द राइट पार्टनर, पूरी ऑडियंस को क्रॉस करके और उसने उसको यहाँ से ना गिरेबान से पकड़ा, कहता है कि आपका नाम क्या है, नाम बताया, आपने कान खोल के मेरी बात सुनो, रिस्क का मामला नहीं भाई है, बिलीव का, इस पे बात, आप मुझे बताएं नहीं भाई कि मेरे इस वक्त अकाउंट में कितने पैसे हों। It's very difficult to tell. I don't know, to be frankly honest. क्योंकि वो बंदा ही इतना जानवर था आपके बकौल, तो हम उस बच्चे को बचाना है तो वो कोर्ट ने फॉरन कोई ना कोई ऑर्डर करना है कि जिससे एपरेंटली उन्होंने बच्चे को बचाना है, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी इज द किड। अच्छा सर आपने क्या ये चीज़ वेरीफाई की? अदालत समझेगी कि यार औरत जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, या आप ऐसे बाहर बड़ी जल्दी हो जाती है तो बच्चे को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कोर्ट्स के अंदर। नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद, मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं कह रहा, आई हैव सीन जजेस बीइंग सो प्रोफेशनल, मैंने देखा कि उनके फेस पे एक्सप्रेशन होते हैं कि दे एक्चुअली नो के व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या उस बच्ची को जिससे आपने बाप उसका ले लिया, साल आपने वो बच्ची को जो जो मेमोरी की एज थी आपने उसको भुला दिया, बाप उसको याद भी नहीं रहेगा, फिर आप थर्ड पार्टी गैर मर्दों को बुलवा रहे हो कि ये आपके बाबा हैं? दैट्स क्रेजी, व्हाट इज दैट? अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए, हैव यू एवर बीट योर वाइफ? आई रियली अप्रिशिएट के इस सारी कन्वर्सेशन में मुझे कहीं पर किसी की किरदार कशी, यू जस्ट सेड के वी ग्रो आउट टू बी डिफरेंट पर्सनैलिटी। यस, आई हैव बीन फाइटिंग अ लीगल बैटल सिंस 1 ईयर इन द कोर्ट, एंड वी ऑल नो दैट हम कोर्ट के ऊपर पूरा हमारा ट्रस्ट है, यू नो, हम अपने 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 लीगल सिस्टम के ऊपर हमारा ट्रस्ट है। मैं अगर कहूँ ना, अगर आप आम आवाम से, आम पाकिस्तानी से जाकर राह चलते हो, पाकिस्तानी से पूछो ना, तो वो कहेगा यार यहाँ पे तो अदल व इंसाफ जो है सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलता है। यू आर द राइट कैंडिडेट टू गिव गुड एडवाइस टू यंग पीपल व्हेन इट कम्स टू सेलेक्टिंग द राइट पार्टनर, राइट? हु इज द राइट पार्टनर, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर एंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये और मतलब मैं ये ऑब्वियसली मतलब स्टोरी के ऊपर हम नहीं डिस्कस करेंगे किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो तो मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया कि क्यों हुआ, होने होता तो हो जाता है ना, बट यू नो उसको वो आपकी एक प्राइवेट साइड है, यू वांट टू कीप दैट प्राइवेट एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा मेरे लिए तो बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ये है कि फिर मैं अपने बंदे का एक साल के बाद लाइक कोई वो ट्रैश थ्रो करने वाली बात है, क्या फायदा इसका? यू आर गेटिंग मैरिड अगेन? नो, अभी तो कोई सीन नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, हु व्हिच वीडियो आई वाज वाचिंग, इसमें कोई बता रहा था या आप ही की थी कि यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड अगेन? ब्रो प्लान तो लाइक हम होता ही बनेगा, लेकिन ये कि होते होते लाइक साल लगे, दो साल लगे, क्योंकि मैं अभी हरी में नहीं हूँ, जब तक यार बड़ा ट्रॉमा होता है।
बच्चे नहीं होते देन यू आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट ज़ोन, फिर आप इतनी टेंशन नहीं लेते, प्लस जो है ना आपको पता है हमारा लीगल सिस्टम। अच्छा भाई ये पॉडकास्ट हमारी स्टार्ट होने लगी है, बाकी आपने नहीं भाई के चैनल पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह, ये पूरी पॉडकास्ट आप चेक कीजिएगा। ये देखें ये रोज डिफरेंट कैप पहनते हैं अपने सेट के हिसाब से, मैंने आपका सेट भी दिखा दिया माशाल्लाह, कितनी इनके पास कलेक्शन है कैप्स की। अच्छा ये पर्टिकुलर रेड पहनने की आज क्या रीजन है, कौन ये वीडियो प्रोड्यूसर ने कहा सर आज रेड पहन ली है, अच्छा है। चले यार बड़ा मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा अच्छा इस पॉडकास्ट का, और मुझे अपने आप को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये तो ब्लैक के ऊपर ये वैसे मेरा ख्याल है ये नहीं भी सही पहन के आया हूं ना, आई थिंक ये उतरी और कलर रहती है। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीरे का स्वेटर है ना, इस स्वेटर के साथ मुझे कुछ स्पेशल प्यार हो चुका है, इतना ही कंफर्टेबल इतना ही कुछ सॉफ्ट ये स्वेटर है और वाइब्रेंट सा है ना येलो कलर का, तो बड़ा एक कोजी बड़ी एक कोजी सी फील देता है। तो बस आपका भाई रेडी हो चुका है, एक दफ़ा आज का वेट भी हम चेक कर लें, 72.5 है लेकिन इसमें मेरे सोनी का कैमरा भी शामिल है। ये जो लाइट है ना इसका भी हमने कोई इंतज़ाम करना है, ये RGB लाइट है, ये काफ़ी टाइम की मेरी पड़ी हुई है, इसका मुझे रिमोट नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें सारी डिफरेंट कलर्स की लाइट ऑन हो जाती हैं, जिस तरह अगर मैं ये ऑन करूँ ये देखें तो अब इसका मुझे रिमोट मिलेगा तो फिर मैं इसको सेट करूँगा इंशाल्लाह। जब काफ़ी जल्द इस रूम का मैंने मेकओवर करना है, पूरे इस रूम को मैंने ब्लैक पेंट कर देना है। ये जो वॉलपेपर मैंने लगाया था ये बेडशीट है बेसिकली, ये देखें बेडशीट को मैंने जर्मन ग्लू से लगाया था, तो ये है तो बड़ी फिट चीज़ लेकिन ये कि इसके पूरी थीम चेंज करूँगा ना तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, छत भी पूरी ब्लैक हो जाएगी, सिर्फ ये सेंटर वाले एरियाज वाइट रहने दूँगा, ये जो ये वाले हैं ये भी ब्लैक कर दूँगा, ये सारी ब्लैक कर दूँगा, नीचे ब्लैक कारपेट आ जाएगा, सॉरी ग्रे कारपेट आ जाएगा, और ये सारी ब्लैक बेसिकली नहीं ग्रेश लुक होगी उसी, फिर ये मेरे साथ उसके मैच होंगे जो मेरे पुराने वाले स्टूडियो के अंदर जो वाइब थी ना वही वाली वाइब इंशाल्लाह दोबारा। बस रेडी हूँ लेट्स गो। ये सारी गेस्ट स्पीकिंग की हैं, ये भी गेस्ट स्पीकिंग की है कस्ट के अंदर, ये वाली भी गेस्ट स्पीकिंग की है, सिर्फ वो मेरी डिग्री की है कन्वोकेशन की, ये भी गेस्ट स्पीकिंग की है, ये भी गेस्ट स्पीकिंग की है, सेंटर के अंदर सिल्वर प्ले बटन है, ये अभी जो टैलेंट फेस्टा हुआ था, और ये इसको भी सफाई होने वाली है, रिमोट मैंने जो मेरे शहीद हुआ हुआ ड्रोन था ना ये उसका रिमोट है, ये मैं सामने इसको डिस्प्ले पर रखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बल्कि मुझे इसकी यहाँ से जॉयस्टिक भी लगा देनी चाहिए, इसको थोड़ी वापस आके सफाई करूँगा इसकी इंशाल्लाह। एक तो ये सीरत नबी की शायद आपने देखी थी पिछली, ये एक मैंने कॉर मंगवाई है बड़ी फेमस बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, तो ये दोनों को मैं पढ़ पढ़ के तो इंस्टाग्राम पे चलो डालना स्टार्ट करूँगा, तो इंस्टा पे अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आप कर सकते हैं, सीरत नबी बाय डॉक्टर इसरार अहमदी, तो पढ़ने में बहुत एक्साइटेड हूँ, रोज़ एक एक घंटा आधा घंटा जितना भी टाइम मिला ये पढ़ता जाऊँगा इंशाल्लाह। मोबाइल ज़रा चार्ज हो जाए मेरा, कितने परसेंट हो गया, 60% तो हो गया, ये केबल ना मोबाइल की से क्यों चार्जर वो मैंने पीछे लगाया हुआ है तो चार्जर से अक्सर गिर जाती है तो मैं इधर बेड में फंसा जाता होता हूँ। इसका मेरे पास एक वो था होल्डर लेकिन वो अभी यहाँ पे मैं चिपका दूंगा लेकिन फिलहाल मैं इधर बेडशीट में फंसा जाता हूँ। 3:30 बजे मैंने पहुँचना है इस्लामाबाद। ये कैसे हो सकता है कि हम कहीं बाहर जाएं और हम ये अतर ना लगाएं, क्योंकि जितनी अतर की कलेक्शन है ना वो नीचे बाबा के रूम में रखी हुई है, तो मैं कोई एक अतर चूज़ कर लेता हूँ और मैं कुछ अर्सा वही लगाता हूँ, तो अब ये अतर बेसिकली स्माइल देना सदका है, इसी तरह खुशबू लगाना भी सदका है, जब आपसे लोग एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है ना तो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो हमेशा कोशिश किया करें कि जितना ज़्यादा खुशबू लगाएं उतना अच्छा है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने कहाँ से बता लिए थे, कौन बता सकता है कहाँ से लिए थे, अगर आपने पहचान लिया तो इसका मतलब कि आप रेगुलर मेरा व्लॉग्स देखते हैं। तो अभी जा रहे, अच्छा मैंने कहा चले क्यों मैं ठीक। हाँ 3:30 बजे मुझे लगा था कि ड्राया कल माली में नहीं डाला। हाँ आप अपने बच्चों का ख्याल कर रही हैं, तो साफ सुथरा हो गया ना बैठने को, यहाँ पे कुछ फैटी भी होनी चाहिए ना हमारे बैठने के लिए, वो एक लंबे लंबे प्लांट्स जाते हैं बैम्बू जिनको कहते हैं, इधर धूप असल में बहुत तेज आती है गर्मियों में, यही फायदा है नहीं, लेकिन वो प्लांट्स हमें देखने पड़ेंगे जो तेज धूप में जलना चाहिए, ये भी नहीं आपने रखे हैं। हाँ जी अभी यही रखे हैं, वो कह रहा था अब्दुल जब्बार कि आपने बहुत ज्यादा लगा दी है ये वाले भर के लगा दिए, डेलिया जो है ना इतने प्यारे फूल होते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है प्लांट, अच्छा तो शायद मैं इनको हाफ हाफ कर दूँ, ये वाले छोटे गमलों में कहीं रख दूँ। देखें भाई सारे हमारे माशाल्लाह मामा ने ये भी फूल आते हैं ना, देख दिया आएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, जनवरी में सारे फूलों। और ये तो जंगली को कुछ उगा हुआ है ना बीच में? जंगली नहीं है ये, देखो उसने मुझे बताया, मैं फर्स्ट टाइम लगाया, ये फ्लावर बन रहा है, हर एक में से निकलेगा अभी। अच्छा। ये अब टाइम है ना, अभी तो सर्दियों के है ना ये, ठीक है, तो अब ये शुरू हो रहे हैं, तो सब में ये इस तरह निकलेगा। ये फर्स्ट टाइम लगाया है, ये डेलिया का तो मुझे पता है। अगर ये वही वाला आया तो इसमें जैसे गेंदा नहीं होता येलो, ये पिंक और कलर्स के होते हैं, बड़े प्यारे से। हाँ, वो हमारी एक ना वीडियोस रेगुलरली देखती हैं नाज सफदर, तो वो हर दफ़ा कहती हैं बाबा मामा को सलाम कहना, तो उनका सलाम मैंने आपका पहुंचा दिया भाई। और भी सारे जो कमेंट्स में कह रहे होते हैं बाबा मामा को सलाम या कुछ और, तो मैंने पहुंचा दिया सबके सलाम भाई। और ये अभी तक आपकी चिड़िया नहीं आई इसके अंदर? चिड़िया ना ही आए तो शाम बड़ा गंद होता है भाई। अच्छा, अंडे गिर रहे हैं, ये मैं तो इन अंडे शंडे प्लांट से घबराती हूँ। और अगर एक दफ़ा आ गई फिर हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। फिर हम हाथ भी नहीं लगा सकेंगे, है ना। और ये मेरे ख्याल आएंगी भी नहीं डेकोरेशन पीस की हद तक, ठीक है। इसमें से फल के फूल निकाल लें, फूलों की बेलें निकाल लें, लगा सकते। अच्छा आइडिया है ना, अंदर में इतनी सी मट्टी डाल के ना, हाँ अंदर से हो भी सकता है। कैसा फिर आइडिया दिया? मैंने ये जो दो बनाए हैं ना, ये हैंगिंग है, ये वाले दो, हाँ इसमें हैंगिंग अभी प्लांट्स नहीं लगे, लेकिन ये हैंगिंग है क्योंकि इनके यहाँ सुराख हैं, ये ऐसे हैंगिंग है प्लास्टिक के, यहाँ मैं लटका सकती हूँ, यहाँ भी लटका सकती हैं आप, थोड़ा नीचे करूँगी ताकि जिसमें पानी भी दिया जा सके। सही है, लेकिन ये इसके अगर हम इस तरह के दो तीन और ले आए ना, तो ये लाइन से यहाँ पे आप ऐसे हैंगिंग लगा सकते हैं। बनाना प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया छोटे, ये क्या पता बड़े होके अकेले ही निकल आए सर। ये माशाल्लाह अब शुरू हो रहा है, तो एक डेकोरेशन तो हो गई। ये पिंक अच्छे लग रहे हैं, चाय फ्लावर्स लगाए, हाँ ये पूरा सेट लगा। नहीं इसको क्या, ये तो पर्पल नहीं है, पिंक और पर्पल का मिक्सचर, पिंक हाँ वो जिसको लाइलैक टाइप कहते हैं, ये भी लाई थी ना, ये पूरा सेट लगा। आपकी सॉक्स सूख रही हैं पौधे पे, आपकी सॉक्स सूख रही हैं, गीली हो गई थी ना। लो जी मामा की सॉक्स पौधे पे सूख रही हैं भाई, ये प्लांट भी कह रहा होगा मेरी जिंदगी इसलिए बनी है पौधे से। सर्दियों में इसका और कोई काम नहीं, यही काम। सही है जी, पौधे पे सॉक्स सूख रही हैं। अब ये न्यू लीव्स आना शुरू हो रहे हैं नीचे से, ये बॉन्साई बने हुए स्पेशल, ये डेकोरेटिव, बड़ी प्यारी शेप होती है इनकी, हां डेकोरेटिव बनाते हैं ना स्पेशल। मैं कैसा लग रहा हूं? ये पेंट का कलर आपको बहुत पसंद है ना, डार्क ये वाली मुझे बहुत, और साथ देखा आपने ग्रीन शूज, हां बहुत अच्छे लगे है ना, और साथ मस्टर्ड के जो है, ये तो बहुत, ये तो बहुत लाइवली, अच्छी सी बहुत लाइवली सा ये ड्रेस है। अब ये मतलब हर रोज कपड़े हैं सब यही नजर आएंगे सबको, हर वीडियो में यही नजर आएंगे, यही नजर आएंगे, पहन पहन के जब तक सड़ नहीं जाते ना, हर वीडियो के अंदर यही पहनना। अब कोई और पर्पल कोई और देखते हैं जाके, जब तक इसके पैसे नहीं पूरे होंगे ना, हर वीडियो में कलर इंटरव्यू के अंदर यही वाला। और ये कंफर्टेबल ही पड़ा है ना जी, बहुत अच्छा, अच्छी लग रहा है, सेल में मिल गया था, हाँ सेल का नहीं, सेल का 3,000 समथिंग का, नहीं जी 5,000 का, 5 का नहीं था, 5 का था। अच्छा हाँ जी, शायद हो सकता है 5,000। चले फिर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ बस 5-6 बज जाएंगे, तो हमारी गली में सुपरमैन आ गया, वो चेक करें जी, सुपरमैन, हेलो सुपरमैन, सुपरमैन माशा, हेलो आपको उड़ना आता है? वालेकुम अस्सलाम, ये सुपरमैन उड़ता है यार, इसको बुलाओ ज़रा, इधर सुखाओ, उधर उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ, जरा उड़ो जरा एक सेकंड, देखें हम भी असली सुपरमैन है या फिर ये दराज से ऑर्डर किया हुआ छोटा कह रहा है, हाँ वाकई में दराज से ही ऑर्डर किया हुआ है। हाँ ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ भाई सुपरमैन इधर आओ, आप असली सुपरमैन हो या फिर वो दराज से ऑर्डर किया हुआ है आपको? ये असली हूँ। असली हो यार, ये सुपरमैन उड़ता नहीं है, दो नंबर है, या इसकी बैटरियाँ डाउन तो नहीं है कहीं? अस्सलामुअलैकुम, रेप्लिका है, चलो वो कोशिश तो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्या पता किसी दिन उड़ ही जाए, ओए होए होए किसी दिन ये इसकी फ्लाइट कोशिश किसी दिन खुद ही ना उड़े, पक्का पक्का। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सुपरमैन। ओह सुपरमैन से तो करंट लग जाता है यार, एनर्जी बहुत है इसमें है। ओके दूसरा कौन आएगा भाई? अल्लाह हाफिज़, आप क्या हो, आप बैटमैन हो या स्पाइडरमैन हो? आपके वैसे बाल तो सुपरमैन के हीरो जैसे ही हैं ना इसके भी। ओके अल्लाह हाफिज़, इतनी जोर का दबाया इसने यार, ये बड़ा तेज है भाई, दर्द हो गई है मुझे, इसको भी दबा दो ताकि बराबर हो जाए, इसको भी दबाओ, दूसरे हाथ में दर्द हो गया फिर बराबर तक।
यार ये क्या खाता है ये सुपरमैन? ये क्या खाता है? करंट मारूं? हाँ नहीं आपकी बैटरी खत्म है। बैटरी अंडा पराठा खाता है ये। चार्ज करके आए दोबारा। टूट गई मेरी उंगली, हॉस्पिटल ले जाओ मुझे, स्ट्रक्चर हो गया। चले भाई अंडा पराठे की एनर्जी है, चले हम भी जरा कुछ अंडा पराठा खाएं और मैं भी एनर्जी आया। ओके अल्लाह हाफिज़। सीता मन्ना है बस इतनी, सीता मन्ना है कि जब मांगू तुझे मांगू जहां देखूं। अच्छा यार मैं F6 मरकज पहुंच चुका हूं, यहां पे नईम भाई का स्टूडियो है जिधर वो पॉडकास्ट अपनी रिकॉर्ड करते हैं। चाय एंजॉय कर रहे हैं। आपको कुछ थोड़ी सी ओवरवेलमिंग नहीं लगती है कभी कभी के कैमरे के बगैर आप एंजॉय नहीं कर सकते? अच्छा अब ये सेकंड हैबिट बन गई ना, मैं कोई 12 सालों से कह रहा हूँ। अच्छा वो जिस वक्त अब्दुल वली भाई ने अपना ट्रैवल चैनल भी नहीं स्टार्ट किया था उससे ब्लॉगिंग के टाइम से कह रहे हैं ना, तो सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि अब सेकंड हैबिट। ये वाला जो कैमरा GoPro है ना ये छोटा है, ये इतना नजर भी नहीं आता है। हाँ अगर आप वो बड़ा लेकर घूम रहे होते हैं ना और उसके ऊपर वो शॉटगन माइक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फिर लोग कहते हैं। मैंने भी अंदर रखा है ऐसी वजह से। मैंने कहा यार, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि लोग ओवरवेल्म होते हैं, हम तो बंदा खुद ना हो तो मैंने कहा सारी अपनी माइंड की गेम है। लेकिन आज ये चले चले लेट्स गो। अच्छा आपको इधर कितना अर्सा हो गया स्टूडियो बनाए हुए इस बिल्डिंग में? दो ब्रिजेस बनने हैं, रोड एक्सपेंड हो रही है कराल से आगे। मैं 2 हफ्ते पहले जाना हुआ तो लिटरली बंद भी रहा था, हमारे कुछ 2 घंटे लग गए। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा यार, वेरी नाइसली डन। हाँ जी आपके आपके ड्रेसअप सूटअप की बात कर रहे हैं। स्टूडियो भी अच्छा है। हाँ थोड़ा बहुत हो गया। आपका तो शूट रह गया। यहाँ पे आपकी सारी एडिटिंग वगैरह चलती है? नबील यार ये हमारा जो है वीडियो प्रोड्यूसर नबील भाई है, जो बेहतर बता सकेंगे आपको। नबील भाई यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पे बेसिकली जो है वो शाम को चाय चलती है। जिस क्वांटिटी में और जिस उसकी मैच है ना दोनों का। हाँ तो मैच के लिए आपको पता है ऐसे हमें चाहिए होते हैं। माशाल्लाह वेरी नाइस यार। नबील भाई यार आप लोग ये देखें कि जब ये पॉडकास्ट पे आपके सामने जो फ्रेम आ रहा होता है ना उसके अंदर इतनी ज्यादा लाइक ये चीजें नहीं फील हो रही होती ना, कुछ क्वांटिटी कम है, बहुत बड़े मग हैं। चाय कर दें अगर दो कड़क चाय जो है नबील भाई के लिए भी ले और हसाम भाई के लिए भी ले। इसका हाफ कप लाना है? हाफ कप ही, वो छोटा कप ही लाना है। वाकई बहुत ज्यादा क्वालिटी है। अच्छा पूरा इतना बहुत ज्यादा नहीं देता। तो नहीं भाई ये क्या, ये जो ग्रीन स्क्रीन का क्या रोल है यहाँ पे? आप लोग भी कुछ शूट करते हैं चैनल के लिए अपने थंबनेल्स? हमारे उमर भाई है ना तो ये एक प्रोडक्शन कंपनी भी रन करते हैं। अच्छा अच्छा, जो प्रोमोज और DVCs और TVCs और सर इतना कुछ करते हैं आप। कभी आपको ऐसा लगा है YouTube चलाते हुए यार ये क्या annoying सी ads आ गई मेरे सामने? अच्छा वो ads आप रहते हैं हम लोगों को annoy करते हैं? नहीं बाकी कंपनीज के लिए भी या सिर्फ जो बाहर दूसरी कंपनीज के लिए? हमारी तो कोई भी, मेरे ख्याल में हमारी यही की 3 फायदे आपकी तो वो ad मैं का तो देख देख के खबरों में भी आती है यार। यार बहुत दूर दूर देखे आप लोगों ने वो ऐड इनकी देखी होगी अगर YouTube के ऊपर आपके सामने कभी वो ऐड देखी जिसमें ये कहते हैं दोस्तों, अब मुझे याद भी होगी
दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के 3 फायदे 3 नुकसान होंगे। अच्छा मैंने उस एड को बकायदा बैठ के उसको मैंने अंडरस्टैंड किया क्योंकि माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, ब्रेक डाउन किया है और उसी पैटर्न के ऊपर किसी एक और 2-3 चैनल्स ने और भी चलाई हैं। अच्छा मैंने आपने... जो थी मैंने वो मेरी कोई इजाद नहीं थी, जीशान उस्मानी साहब उनका चैनल है वो, उस पर उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी और लिटरली उन्होंने कुछ 5 फायदे और 3 नुकसान। जीशान उस्मानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा यार 5 फायदे तो शायद लोग ना सुने और 3 नुकसान भी, तो चलो इसको छोटा कर देते हैं, 3 नुकसान कर देते हैं। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीडबैक, तो जब पहली दफा मेरे सामने ऐड आई ना तो मेरे से वो देख ही नहीं गई थी लंबी, क्या 3 फायदे 3 नुकसान। अच्छा मैंने वो शुरू में थोड़ी सी देख के जिस तरह बंदा स्किप कर देता है, लेकिन वो मेरे दिमाग में अड़ गई कि यार देखना है, किसी दिन पूरी देखनी है आखिर तक कहते क्या है। तो मेरे ख्याल 3-4 दफा में मैंने अल्टीमेटली वो देख ही ली है। सिर्फ उस एक एड से हमने 3 महीनों में 1,00,000 सब्सक्राइबर। ब्रो आई नो, मैंने आपकी ग्रोथ देखी है, अपने सामने देखी है ना, मतलब माशाल्लाह। तो देखिए इससे कॉन्फिडेंस ही आता है कि आप इन्वेस्टमेंट करके, जरूरी नहीं ऑर्गेनिकली ग्रो करो, 2 साल लगाओ, अगर आप उसके अंदर इनपुट पैसे लगा सकते हो तो आप व्हाई नॉट है ना। तो यस, और मजे की बात ये, दैट वाज द मोस्ट इजीएस्ट कह लो। हमने एक दूसरी भी एड बनाई थी और वो बड़ी मुश्किल थी, वो उमर ने सारी स्क्रिप्ट की थी। अच्छा। और वो सिंस स्क्रिप्टेड चीजें होती है ना, तो वो स्क्रिप्टेड थोड़ी मुश्किल होती है, आपको एक खास फीलिंग के साथ बोलना होता है, ऑर्गेनिक वाली वाइब नहीं, ऑर्गेनिक वाली नहीं होती। और ये वाली जो थी ना, मेरे ख्याल में हमने जितने टाइम की है उतनी टाइम में ही हमने रिकॉर्ड किया। ऑडियंस के लिए एक डिस्क्लेमर है, अगर आप ये एड देखना चाहते हैं चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कमेंट्स ना पढ़िएगा, वो तो फिर अगर आपने रोजा रखा आपका रोजा टूट जाएगा यार। वो उसकी तो प्रॉबली रीजन ये भी है ना कि जब चीज बहुत देखें, वो मेरे ख्याल मिलियन तो क्रॉस कर गई है या नहीं अभी? मेरे ख्याल में 2 मिलियन क्रॉस। हाँ, तो जब इतनी बड़ी ऑडियंस देखेगी तो ऑब्वियसली बात हर तरह की फीडबैक तो आएगी, लेकिन आपका तो गोल अचीव हो गया ना, बस ठीक है। तो मेरे ख्याल में 1 मिलियन व्यूज के लिए आप 1 मिलियन रुपीज जहन में रखो मिनिमम। अगर आपको फिर डेमो के लिए 1 मिलियन रुपीज ना यार, आपको 1 व्यू मिनिमम 1 रुपए का मिलेगा ना, बड़ा एक्सपेंसिव है। तो सर मैं ए खुदा जिसने की जुस्तजू। यहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स इन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं, माशाल्लाह ये माइक रखा हुआ है और ये कैमरास पुराने रखे हुए हैं, बुक्स कुछ रखी, लाइट्स, एक ये गेस्ट की लाइट हो गई, ये उनकी लाइट हो गई। अच्छा, और वो अगर वहाँ पे गेस्ट ज़्यादा होते हैं तो उनकी भी हो गई, ठीक। अच्छा भाई, सो ये था नईम भाई के साथ पॉडकास्ट, आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। मैं इस वक्त सर्दी के अंदर डूबा पड़ा हूँ, तो अगर आपने पॉडकास्ट देख लिया तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं देखी तो फिर भी ज़रूर बताना किस किस ने अभी तक देख लिया है। इंस्टाग्राम वाले तो ऑलमोस्ट सारे फैमिली ने देख चुके हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोगों के साथ भी मैंने अभी शेयर कर दी है। सो आई होप कि आपको ये जो लंबे इस वक्त मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, क्योंकि अफिट पाकिस्तान की लॉन्च इंशाल्लाह होनी है, प्रॉबली इसके बाद जो मैं व्लॉग डालूंगा उस वक्त तक अफिट पाकिस्तान की लॉन्च हो चुकी होगी, तो काफ़ी उन कामों में मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं 1-1 हफ्ते के बाद इस तरह व्लॉग डाल रहा हूँ। तब तक जब तक नेक्स्ट व्लॉग आता है, आप इस वाले व्लॉग को इन्जॉय करें, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पूरी पॉडकास्ट चेक करें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ ज़्यादा। अंटिल आई विल पोस्ट द नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह, सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। यार दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।